गुड मॉर्निंग साथियों, एक नई क्लास, एक नई सुबह के साथ एक नई उम्मीद लेकर के उपस्थित हैं हम आपके साथ। क्लास होगी कक्षा 8 की बेसिक मैथ, कंप्लीट सलूशन आपको मिल सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैथ में कुछ भी नहीं आता आज से टेंशन छोड़ दो, गारंटी हमारी होगी आपको आएगा, पढ़ाएंगे हम, सीखना आपको पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, कोई भी काम शुरू करने के पहले आप सोचते हैं कि अगर मैं इसमें सफल ना हुआ तो फलनवा का कहेगा, वो क्या कहेगी मेरी, वो क्या कहेगा मेरा। जी बिल्कुल, मतलब आप समझ रहे होंगे इसका हम क्या कहना चाहते हैं। अगर यही हम भी सोचे होते तो आज PVR स्टडी में आप 2 लाख स्टूडेंट्स की संख्या पूरे इंडिया से ना जुड़ी होती, और ना ही जो हमारे माध्यम से 4-6 लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिला है वो भी ना हुआ होता। कहने वाले बहुत कुछ कह रहे थे, हमको भी, हमारे माँ बाप, घर वाले, यार दोस्त बहुत सारा मजा लिए, सब कुछ हुआ था आज से 2 साल पहले, लेकिन आज वो सब शायद गायब हो गए हैं या फिर हमारे क्या बन गए हैं, फॉलोअर बन गए, एक प्रकार से बहुत ही प्रिय हो गए हम उनके। चलिए, मतलब यहाँ से आप समझ लिए होंगे हमारी लाइनों का कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो ये मत सोचिए कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, मेरे वो क्या कहेंगे, इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो सब चले जाएंगे। अगर नहीं, वो रियल में नहीं है वास्तव में आपके, तो वो चले जाएंगे, लेकिन आप अपने काम में सफल हो जाएंगे तो आपके आगे पीछे फिर लगे रहेंगे, बात समझ गए ना। तो इसलिए ये बात आज से बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे उसको छोड़िए। मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपको मैथ में एक छोटा सा टॉपिक नहीं आता है, मानते हैं कि आपको HCF LCM नहीं आता है, और आप कोचिंग क्लास में बैठे हैं, सर ने सवाल बताया, बोर्ड पे लगवाया, उसमें उन्होंने LCM ले करके कर दिया। अब आपके दिमाग में आया कि जैसे कि ये 25 LCM आ गया क्वेश्चन में, अब सोचोगे यार मैं यहाँ पूछूंगा LCM कैसे आया सर इतना, तो बड़ी मुसीबत होगी, सब मेरा मजा लेंगे, है ना, तो उस समय आप नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको वो पूरा सवाल समझ में नहीं आएगा वहाँ पर। अगर आप उस टाइम पे उसको पूछ लिए होते तो शायद आप वो सवाल समझ गए होते, और जो लोग वहाँ पर थे हो सकता है एक आध बार आपका मजा लेते, लेकिन आप मतलब तो समझ जाते ना। तो साथियों, मतलब हमारा समझना यहाँ पर कहने का कि कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, बस आप कोशिश करो, ठीक ना। चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभ्यास 2 का ई है, कक्षा 8 की गणित है, ये पार्ट नंबर 22 है, कक्षा 8 की गणित में 22वां भाग है आज। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, कुछ भी दिया है, समथिंग 0.0037636 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा बताना है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर मतलब आप जानते हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, यही तो होता है। तो ये वर्ग दिया है साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वर्ग दिया है, ठीक। वर्ग का मतलब इनका चारों जो साइड हैं वो इक्वल होते हैं, तो कुछ भी दिया है इसमें, एक साइड में मैं लिख लेता हूँ 3 बार 0 है, 37 और 636, याद रखना इसको 37636 कतई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हज़ार नहीं, वो एक से भी कम है, इसको आप 37636 नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक से भी कम है, तो इसको हज़ार कैसे बोलोगे। ये देखो यहाँ पॉइंट लगा है ना, ये कोई पूर्णांक है नहीं, अपूर्णांक है। तो ये हो गया, चलो टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, हम पहले सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, यही होता है कि कुछ और होता है, बताना कमेंट करके। तो इसको जल्दी से नोट करो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर जो हम बता रहे हैं, इसके बाद हम 8वां बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट 8वां बताएंगे, लिखो जल्दी से। ये हो गया भुजा का स्क्वायर, मैं मुँह से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वर्ग का क्षेत्रफल ये देखो दिया है, इधर साइड में लिख लो जो दिया है, 3 बार 0 था, 37636, भुजा का स्क्वायर मतलब, भुजा मतलब नहीं दी है, निकालना है, ये कह रहा कि भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में बताओ, तो ये भुजा का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, तो इधर साइड का क्या करोगे, ये वर्गमूल निकालोगे, 0.00 37636 इक्वल क्या हो जाएगा, भुजा। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालोगे, 2 बार भुजा है तो वो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, मैंने एक लाइन स्टार्ट कर दिया, ध्यान देना। अब इसका वर्गमूल आप निकाल लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालना हमने आपको बता दिया है, 0.0194 इसका क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। अगर नहीं देखा क्लास तो आप पीछे की क्लास देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पिछली क्लास देख लीजिए कक्षा 8 की, हमने क्लास नंबर ये 22 है ना,
18, 19, 20, 21 सभी क्लास में केवल वर्गमूल सिखाया है, दशमलव का वर्गमूल बिना दशमलव का बहुत गहराई से समझाया है। तो हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में आपको इंडी स्क्रीन में मिल जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या ऊपर आई बटन में मिल जाए, तो देख लेना। ये हो गया आपका आंसर, भुजा हो गई 0.0194। चूँकि ये सवाल हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन ये क्या हो गई, ये मीटर में हो गई, ये भी ध्यान देना। ये तो आपका आंसर आ गया इतना ना, लेकिन ये क्या था, मीटर स्क्वायर था ना, अभी हुआ नहीं पूरा। तो ये क्या हुआ, ये भुजा आ गई किस में, मीटर में। कह रहा था कि उसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, लगभग सेंटीमीटर में। बिल्कुल आसान है, बहुत ही ईजी है, एकदम हलुआ है बस। चलो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, होता है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो बदल लो ना इसको, यहाँ पे लिखो चूंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, क्लियर, इसलिए 0.194, देखो यहाँ पर एक जीरो और भी था, पूरा लिख लो यार, 0.0194 मीटर इक्वल 0.0194 इंटू 100, इसको 100 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये 0.194, हमने सब लिख लिया है, दो जीरो आगे बढ़ जाएगा और फिर चार अंक पर दशमलव था, पीछे से चार अंक गिन लोगे तो 1.94 आएगा सेंटीमीटर, लेकिन कहा था लगभग सेंटीमीटर में निकालिए, तो ये 1.94 को हम लिख सकते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 0.06 कम है ना, नाम मात्र का कम है 2 सेंटीमीटर में, थोड़ा सा, तो आप इसको 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो। बात समझ में आई, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत जल्दी करिए। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तुरंत आएगा, बस बिल्कुल देर नहीं करना। जिन लोगों ने नहीं लिखा अभी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए फट से बाबू, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। तो चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी क्लास देखिए पूरा देखिए, बीच में अगर भाग जाओगे छोड़ के ना, मज़ा ना आएगा कतई, याद रखना। छठवां नंबर भी बता देते हैं, कह रहा कि यदि √2 इक्वल, देखिए √2 का यहाँ पर मान दिया है, अभ्यास 2e का है, √2 इक्वल 1.4142, तो √8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बहुत आसान है, एकदम आसान है, इससे आसान सवाल होता ही नहीं है। साथियों कह रहा है √2 का मान जो है वो दिया है, तो √8 का मान ज्ञात कीजिए। आप सपोज करिए कि √8 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या तो है, इसका घनमूल 2 आएगा, लेकिन वर्गमूल 2 नहीं आएगा। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 × √2 आएगा, इतना आएगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो इधर देख लो, इसका वर्गमूल हम आपको दिखा देंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 2 का जोड़ी बनती है ना, ये बन गई एक जोड़ी, एक बच रहा बेचारा अकेला, तो जो बच रहा है वो अंदर फंसा रहता है वर्गमूल के अंदर में, जो निकल जाता है बाहर आ जाता है, तर जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये इतना आ गया। आपको देखो इसका मान दिया √2 का, रख दो ना फट से, ये 2 × क्या हो जाएगा 1.4142, गुणा करोगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, देखो 28 आ गया ना, 1, 2, 3, 4 अंक पर दशमलव था, तो ये हो गया 4 अंक पर दशमलव, यानी कि 2.82 और 84 लगभग आ रहा है। लिख लो जो भी दिया गया होगा आपको, अगर 3 अंक तक पूछेगा कि दशमलव के बाद 3 अंक तक बताओ, तो ये 2.828 होगा, 4 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 से कम है, अगर ये 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा होता तो ये 8 की जगह पे 9 हो जाता। तो ये था आपका छठवां जवाब, जल्दी नोट करो तुरंत बिना देर करे हुए, क्लास को पूरा देखोगे तो गारंटी हमारी होगी समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो आप जानो आपका काम। देखिए साथियों अगले आपके सवाल आ चुके हैं सामने, ध्यान से देखना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षता अभ्यास, ये वर्गमूल घनमूल जो था अभ्यास
टू का सारा कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो अभी तक पढ़ा है उनके सवाल, ध्यान से देखना। ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो कैसे जानेंगे, सिंपल सी बात है, इसको कुछ भी नहीं करना, केवल नंबर लिख लेना। इन नंबर में देखो आप जरा गौर से तो क्या है, 54 है। अब बताओ क्या 54 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? जैसे 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करें तो क्या होता है, 25 होता है। क्या किसी संख्या का स्क्वायर 54 होता है? नहीं होता है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 8 का करोगे तो 64 हो जाएगा। देखो 64 और 49 के बीच में 54 आता है ना, लेकिन 7 का ना हुआ ना 8 का हुआ, तो क्या 7.5 का होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर लिख दो नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला देखना, ये हो चुका, इसका काम ख़त्म, इतना ही था। दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत गौर से देखना, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखना, प्लेलिस्ट बना लेना अपने मोबाइल में, वीडियो का नहीं आएगा तो कमेंट करना बता देंगे, लेकिन वीडियो डाउनलोड ना करना, कतई ना करना, नहीं दोबारा नहीं देख पाओगे, ठीक ना। इसको कैसे करोगे, अंडर रूट लगा है 41 का होल स्क्वायर माइनस 4040 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। और ये सूत्र आप लोगों ने बचपन में बहुत ही प्यार से पढ़ा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, चाहे तो माइनस वाला पहले कर दो, प्लस वाला बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हमने ए और इसको बी माना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 41 में 48 किया तो 81 हो गया, 41 से 40 सबट्रैक्ट किया 1 आया, 1 का मल्टीपल करोगे तो वही आएगा, कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। इस तरह से जब 81 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 9 आ जाएगा, इसका आंसर 9 हो गया। इतना बात हजम हुई ना? बिल्कुल होगी, टेंशन मत लेना, कोई हाजमोला की ज़रूरत ना पड़ेगी, बस स्टेप बाय स्टेप देखना, सभी पार्ट्स देखना, अगर बीच में कोई पार्ट गायब कर दोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और अगर क्लास हर दिन देखना चाहते हैं और पूरा क्लास करना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो आप PBR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करके फॉलो कर ले, वहाँ पर आप सारी क्लास, लगभग पेमेंट वाली क्लास 60% तक फ्री देख सकते हैं, लेकिन 100% का ही नहीं, 100% के लिए आपको नंबर पर संपर्क करना होगा। आगे चलिए, अभी जो देख रहे हो ये सब फ्री है, टेंशन मत लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। पहला है 5 का होल स्क्वायर और फिर प्लस है, और ये क्या है माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या है माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है। सिंपल सी बात है, 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस माइनस में कोई भी संख्या अगर उसका वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, और इस तरह से ये 25 हो गया। हल करोगे तो 5050 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो, जल्दी से छाप लो, बिना देर करे हुए तुरंत, एकदम फास्ट करिए तुरंत, वीडियो को पीछे करके फिर से लिखिए अगर छूट जाता है। अगला देखिए, ये भी बड़ा अजीब सा सवाल है, कह रहा कि 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का होल स्क्वायर, इसको ध्यान देना। क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट खोलना है बस। अगर आप 5 का होल स्क्वायर करोगे तो आप सभी लोग जानते हो कि 25 होगा, और 12 का होल स्क्वायर करोगे 144 होगा, है ना। जब इसको ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे तो 169 होगा, और आप लोगों को हम बहुत रटाए हुए हैं बचपन में ही कि वर्ग और वर्गमूल याद कर लो, 20 तक 13 होगा ना, ठीक। तो ये हो गया दक्षता अभ्यास का दूसरा पार्ट हो गया। इसमें देखिए दक्षता अभ्यास का मतलब ये है कि आप लोग एकदम दक्ष हो जाएं इसमें, एक्सरसाइज के लिए इसलिए करवा दे रहे हैं। 30 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 900, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, हर कोई बता ले जा सकता है इसको। आ गया, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 3×9 यानी कि 30 का होल स्क्वायर 900 होगा, इसका वर्गमूल करोगे 30 हो जाएगा, 930 आंसर हो गया। कुछ लोग अभी सिर खुजला रहे हैं, अभी तक आंसर नहीं दे पाए, लेकिन कोशिश करेंगे तो आएगा। अगला देखना, बिल्कुल फास्ट नोट करते जाओ, और हाँ जिनको लग रहा है कि बहुत तेज़ चल रहे हैं ना, वो वीडियो को एक बार देख लें, अभी जब वीडियो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा ना, एक बार फिर से पीछे करके शुरू से देख लीजिएगा, कहीं जाएगा नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है। अगर कभी गायब भी हो जाता है तो फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके मंगवा लेना, बिल्कुल किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगला है 400 प्लस, सभी अंडर रूट में हैं,
400 प्लस 0.04, ध्यान से देखना, बहुत गौर से देखना, और फिर क्या है 0.04 के बाद में बस इतना ही है क्या जी? है अभी एक और, वो क्या है, इसमें दो दो चार एक पांच बार जीरो है। क्या है? पांच बार जीरो है। पहले इसको मिटा दें तब लिख पाएंगे। पांच बार जीरो के बाद में क्या है उसको भी देखना। ये देखो 0.0005 बार, फिर फोर, क्लियर। इसका मान निकालना है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुल मिलाकर के इसमें क्या है, छः, छः अंक है ना, दो दो का अगर आप जोड़ा बनाओगे, वर्गमूल निकालना आप सभी जानते हो ना, हमने आपको बताया था वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, पिछली क्लास देखा कि नहीं, बताया था ना। तो ये क्या होगा, जितना इसके जोड़े बन रहे हैं इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उतना ही होगी, इसका मतलब तीन होगी संख्या, तीन में से क्या, देखो ये चार का वर्गमूल दो आता है, दो हो जाएगा इसका वर्गमूल, और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी, चूँकि तीन जोड़े बने हैं, इस तरह से तीन हमने क्या कर दिया, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कर दिया। अगर ये वर्गमूल ना समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य करना, बता देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो कैसे, कुछ लोगों को क्या, बहुत लोगों को ये ऊपर से उड़ जा रहा है, उड़ जा रहा है ना, इधर देखो, देखो भाई सिंपल सी बात है, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः अंक पर दशमलव है ना, तो इसको आप 4/6 अंक पर दशमलव है तो क्या करोगे, पहले हमें ये बताओ, जब 0.04 होता है तो कितना जीरो बढ़ाते हो नीचे, दो अंक पर दशमलव होता है तो नीचे 100 कर लेते हो ना, मतलब दो अंक पर दशमलव तो नीचे क्या करते आप इसको 4/100 कर लेते ना, तो यहाँ पर आप एक के बाद 6 जीरो बढ़ाओगे, 3 × 4 = 5 = 6, बात समझ में आई ना, आई समझ में। अब इसका आप क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो चार का वर्गमूल तो आप जानते हो दो हो जाएगा, पूरे का वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा बताओ जल्दी से, देखो इसमें 6 क्या है, जीरो है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा कि नहीं, निकाल के देख लेना बाबू, इसका वर्गमूल तो आप कर सकते हो ना, 1000 ही आएगा। तो इस तरह से आपका दो वर्गमूल चार का हो गया, इसका हो जाएगा 1000, जब भाग दोगे तो फिर वही तीन अंक पर दशमलव हो जाएगा। थोड़ा सा हमने और इसको डिस्क्राइब कर दिया फिलहाल, आप लोग अगर पिछली क्लास देखे हैं 19 और 20 21 वाली, तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे चुटकियों में, बाकी थोड़ा टफ तो है ही क्योंकि 8 का है। अगर नहीं आ रहा है ये समझ में तो कक्षा पीछे वाली देखिए, 7-6 वाली देखिए। इसका वर्गमूल करोगे, देखो चार का वर्गमूल क्या होगा, चार का वर्गमूल दो होगा, चूँकि एक ही जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या सिर्फ एक होगी, तो इस तरह से इसका वर्गमूल 0.2 होगा, 400 का होगा 20, सभी को आप जोड़ देंगे और हो जाएगा काम डन, ठीक ना, जोड़ लो। ये देखो ऐसे जोड़ना है, 20 के बाद कोई गिनती नहीं, लेकिन दशमलव लगा के जीरो बना लो, दशमलव के नीचे दशमलव, दाहिनी साइड में 2, इधर साइड कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा लो, इधर भी जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा के पूर्ति कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर दाहिनी साइड 0, 0, 2, 0, 0, 2, बाईं साइड सब 0, 0, जोड़ लो, दो हो गया, ये दो हो गया, दशमलव 0 और 2, इस तरह से 20.202 आना चाहिए जी। देखो यहाँ पर ये 0 1 और आएगा, तो ये हो जाएगा 20.202, नोट करो जल्दी से, हो गया ना इतना, ओके नो प्रॉब्लम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। देखिए जैसे हम लगाएं वीडियो को स्क्रीन पर टच करके तुरंत रोक लें, जब हम सवाल लगा लेते हैं तो हट जाते हैं आगे से, और रोकने के बाद उसको फट से क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर लिख लें कॉपी में, कोशिश करिए एक बार समझ लीजिए, लिखिएगा बाद में, अगर स्क्रीनशॉट ले पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में लिखिएगा, पहले लिखिएगा मत साथ साथ में, ठीक ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आगे देखो पांचवा सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दी गई है जो सकुशल, वह है 42 और 25, इसका भाग विधि से वर्गमूल बताओ कौन कौन कर लेगा, जल्दी से कमेंट करके बोलो यस जो कर लेंगे, और जो हमारे PVR स्टडी के सच्चे स्टूडेंट्स हैं वो सब कर ले जाएंगे।
हाँ जी, मैंने भाग विधि से वर्गमूल आपको बहुत बताया है, इतना प्यार से बताया कि उतना प्यार से कोई बताएगा नहीं। ये देखो, बताया था जोड़ा बना लो ना पहले। जोड़ा मतलब पेयर बनाना है, कपल नहीं। ये बन गया ना अभी? अच्छा नहीं बना, ये देखो अच्छा बन गया। 7 × 7 = 49, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी 6 × 6 = 36। घटा लो यहाँ पर 6 आएगा, ऊपर से 2 5 वाला जोड़ा उतार लो, इधर साइड जोड़ोगे 12 आ जाएगा, और अब ये 5 बार जाएगा। काहे जाएगा, कैसे जाएगा, ये आपको ना बताएंगे हम, क्योंकि ये वर्गमूल निकालना हमने आपको बहुत बार बताया है ना। ट्राई कर लो फिर से, 5 × 5 = ये 25 हासिल 2, और 5 × 2 = 10, 2 × 12 का 2 कर आया 1, 5 × 1 = 5, 1 = 6, सब ट्रेक करोगे ये ख़त्म हो गया, चूँकि इक्वल आ रहा है। अब ये कुछ भी आए इससे नहीं मतलब है, लास्ट में 5 गया था, 5 ये क्या हो गया इसका आंसर, ये प्लस माइनस 65 इसका उत्तर आ गया। बात समझ में आई ना? दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इक्वेशन। क्योंकि कुछ CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। वैसे तो हम हिंदी भाषी हैं तो लैंग्वेज हिंदी ही होती है, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना? और हाँ, एक बात और, जो मैं बोलूँ या ना बोलूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आप समझ गए होंगे, ये जो ऊपर लिखा है चंगु मंगुना आगे पीछे, इसको बहुत ध्यान से देखना, और PVR स्टडी ब्लॉग को यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे पार्टनर चैनल हिमांशु सर के द्वारा चलाया गया साइंस का स्पेशल क्लास देखिएगा इजी डेरिवेशन पर। और अगर आप PVR स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वहाँ पर तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, उम्मीदों से ज़्यादा मिलेगा बाबू, ठीक है? मतलब पढ़ाई नहीं मिलेगी, कैमरे के पीछे क्या होता है वो मिलेगा आपको। PVR स्टडी टीम के हम लोग जहाँ जाते हैं, आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, घर जाते हैं, क्या करते हैं, गाय भैंस चराते हैं, छगड़ी बकरी क्या करते हैं, सब कुछ आप इस चैनल पर देख पाएंगे। PVR स्टडी और फिर VLOGS ब्लॉग से लिख देना है, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना जिससे आप देख सकें। अगला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, घन वर्गमूल नहीं, धन वर्गमूल, गुणनखंड विधि से करना है। 6वां क्वेश्चन, ये सवाल है 625/121, बहुत आसान है, एकदम आसान है, गुणनखंड विधि से कह रहा है ना, तो 625 का आप कर लो गुणनखंड, फैक्टर निकाल लो, और ये बहुत आसान है। ये लो इधर मैं निकाल देता हूँ, क्या है 625, 5 से काट दो, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5, इस तरह से इसका अगर आप वर्गमूल करोगे तो 4 × 5 = 5 आएगा, और बहुत फास्ट करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसका वर्गमूल करोगे चूँकि एक में है तो ये बड़ा सा बना लो डंडा, ठीक ना, ये 11 × 11 हो जाएगा, निकाल लेना ना, समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना। 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 5 बाहर आ जाएगा इसमें से, इसमें 1 बनेगा तो 11 आएगा, इस तरह से आपका 25/11 क्या आएगा, आंसर आएगा। धन वर्गमूल निकालने को कहा था इसलिए केवल धन लिख दीजिए, बस हो गया, माइनस से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई ना? नोट कर लो, ये हो गया आपका। एक और भी सवाल, एक और भी बहुत ही आकर्षक क्वेश्चन आपको इंतज़ार कर रहा है आपके लिए, उसको भी नोट कर लो जल्दी से, तुरंत बिना देर करे हुए, टाइम बहुत कम है, जैसे सवाल पूरा हो वैसे उसको तुरंत आप वीडियो स्क्रीन पर टच करके रोक करके लगाना शुरू कर दें, फटाफट टूट पड़ें। कह रहा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 9/7, 9/2 में गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। किस में गुणा कर दें? 9/7, 9/2, इसमें अगर हम गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। कह रहा कि वो कौन सी संख्या है जिसका अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक मज़ेदार सवाल देख लो, एकदम आसान वाला, उसको बाद में करना। हाँ, जैसे कि हमने आपसे कहा कि 15 में कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, कैसे करोगे ज़रा गौर करना, ये समझ जाओगे तो इसको चुटकी में कर ले जाओगे, और इसको समझना आसान होता है, क्योंकि जब बच्चा दवा नहीं खाता ना तो उसको मीठी गोली खिलाई जाती है और बाद में उसी में सब खिला दी जाती है, मतलब समझना। देखिए क्या करना है, गुणनफल पूर्ण वर्ग लाना है। पहले तो पूर्ण वर्ग क्या होता है ज़रा शॉर्ट में समझ लो, ट्रेलर के रूप में, जैसे 4 का अगर हमने स्क्वायर किया तो ये 16 आ गया, 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
अगर हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमें 25 प्राप्त हुआ। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करो तो 15 आए? बोलो है नहीं है। 7 का करोगे 49 आएगा, 6 का करोगे 36 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, 4 का करोगे 16 आएगा, आखिर 15 कहाँ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये परफेक्ट रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आप देखना इसको क्या करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, भाई इसका भी जुगाड़ लग जाए कोई। चलो देखो इधर जुगाड़ बहुत चलता है इंडिया में, कौन सा जुगाड़ लगाते हैं। इसका पहले गुणनखंड करो, हम देखते हैं इसमें कमी क्या है। दूसरे सते कटेगा ही नहीं, दूसरे सते का करेंगे, 3 से काटो, 3 पचे 15, फिर 5 से काटो क्या आएगा 15, कट गया ख़त्म हो गया, आप कुछ नहीं बचा इसमें। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाना मतलब इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। अगर हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3 × 5, ये मिल रहा है ना। अब ये पूर्ण वर्ग कब बनेगी, ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना 5 का बन रहा है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, एक तिरगांव एक मिरगांव। अगर इसकी भी जोड़ी लग जाए, इसकी भी जोड़ी लग जाए तो दोनों बरी हो जाएं, है ना, मतलब समझ रहे हो। यानी कि अगर इसमें भी एक 3 और आ जाए, है ना, इसमें भी एक 3 और आ जाए, और ये जो 5 अकेला है बेचारा, इसका भी एक 5 और आ जाए, तो दोनों का काम बन जाए, दोनों बाहर निकल जाएं, हो जाएगा ना। इस तरह से अगर हो जाए तो ये क्या होगा, 3 एक इसमें से बन जाएगा, एक 5, यानी कि इसका 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता। अभी हुआ नहीं, हो जाता, कब हो जाता, जब एक 3 और एक 5 और होते तब ये हो जाता, यानी कि 15 जो है हमारा राइट आंसर आया। अगर मतलब समझना, अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो नहीं बता रहा हूँ कि 15 में किससे गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाए, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 एक और एक 5 और होता तो ये पूर्ण वर्ग होती और इसका वर्गमूल क्या होता, 15 होता। लेकिन वो संख्या कौन सी है जिससे हम इसमें गुणा करें 15 में कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, वो संख्या आपको मिल गई कहाँ से, हमने एक 3 अलग से जोड़ा ना, उसको लिख लो चुपचाप, एक 5 भी अलग से जोड़ा अपनी तरफ से, उसको भी लिख लो, ये 15। यानी कि अगर हम 15 में 15 का गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, मतलब समझ गए ना। तो 15 का करने में इतना भुजाना पड़ा, तो अगर ये करोगे तो थोड़ा और भुजाना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें आप भुजा लोगे जब इसको समझ गए हो तो, मतलब समझ गए ना कैसे करना है। पहले उस संख्या का आप गुणनखंड कर दीजिए, उसके जोड़े बनाइए सभी के, कोशिश करिए सबका जोड़ा बने, कोई छूटने ना पाए, बिना जोड़ा का कोई ना हो बचने पाए, ठीक। उसके बाद जिसका जिसका जोड़ा खुदा ना खास्ता नहीं बनता है किसी कारण से, उसका जोड़ा आप खुद से बनाइए, भाग्य विधाता बन जाइए, समझ गए ना। और फिर जिसका जिसका जोड़ा आप खुद से बनाए रहेंगे, जो जो संख्या खुद से लिखे रहेंगे उसको याद रखना, हिसाब देना उसका, फिर उसको अलग लिख लेना सभी को और गुणा कर लेना, उत्तर हो जाएगा। ऐसे इसको भी कर लेना तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, मैं बता दूं यहां से 17 आएगा, हमने इसको लगाया हुआ था 17 आएगा, लिख लो 17 आएगा, कर लेना। देखिए साथियों एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 10 सेकंड के अंदर देख लो, कह रहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करोगे, छोटी से छोटी और पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आएगी मालूम है, बहुत आसान है। पहले तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या समझ लो, देखो जितने भी अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेगा एक के बाद उससे कम जीरो लगाएंगे। अगर 4 संख्या बोला है तो 1 के बाद आप 3 जीरो लगाएंगे, अगर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहता तो 1 के बाद 4 जीरो लगाते, 40। तो ये 4 की बोला था तो 3 जीरो लगा दिए, ये हो गया आपका छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की। लेकिन पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, नहीं है, पूर्ण घन है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ध्यान देना कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, मतलब समझना, हमने इसका पूर्ण वर्ग करने की कोशिश किया, मतलब वर्गमूल निकालने की पूरी कोशिश किया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 61 आया, यहाँ आ गया 6 आया था, यहाँ पे आ गया 100। अब इसमें जो भाग जाएगा 1 बार अगर ले जाएंगे तो ये 61 आएगा, इस तरह से आपका जो है वो क्या आएगा, 39 शेषफल आ जाएगा, बट ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। लेकिन कह रहा कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो इसमें कंडीशन क्या है, इस 39 को किसी भी तरह से यहाँ से ख़त्म करना है, नीचे 0 आना चाहिए, चाहे जो हो जाए नीचे 0 आना चाहिए। तो क्या करोगे, एक तरीका ये है कि इस 39 को आप इसमें से घटा दो 1000 से, तो उत्तर हो जाएगा, है ना, जो आएगा उत्तर हो जाएगा।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने इसमें से घटा दिया इसको ना, तो ये 16 और 9 961 हो जाएगा, सारा कंडीशन फेल हो जाएगा। कह रहा था कि 4 अंक की ज्ञात कीजिए, 3 अंक की हो गई। ये 961 हो तो गई पूर्ण वर्ग, लेकिन 3 अंक की हो गई, इसलिए गलत है। ठीक, तो क्या करेंगे, घटा नहीं सकते इसको हम। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम 61 की जगह 62 बार ले जा सकते हैं, और सॉरी 62 नहीं, मतलब 2 बार 1 की जगह। जब 2 बार ले जाओगे ज़्यादा तो हो जाएगा, देखो 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12, 124 आ गया ना, ज़्यादा हो गया ना, नियम का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उल्लंघन भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि हमें समझना है जो करना है। ये देखो, अब इसको उल्टा घटाओगे क्या आएगा, -24। कहने का मतलब ये है अब कि अगर ये 24 कम ना हुआ होता, 24 कम ना हुआ होता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती कि नहीं। मतलब अगर ये 100 की जगह पर, अगर ये 100 की जगह पर क्या होता, 124 होता, तब पूर्ण वर्ग हो जाती। लेकिन ये 24 कम था ना, 24 कम था तभी नहीं हुआ ना, 24 ज़्यादा कैसे होगा। अब आप अगर 1000 में क्या करो, 1000 में अगर आप 24 जोड़ लो, तो ये जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वही बनेगी, यानी कि 1024 क्या होगा, इसका उत्तर होगा क्या आएगा, 1024 आएगा। मतलब समझ गए ना, नहीं समझे फिर से देखना, समझ जाओगे गौर से देखोगे तब। अगर नहीं समझ में आता तो पिछली क्लास भी देख लो, कक्षा 6 वाली 5 वाली क्लास, अच्छे से समझ जाओगे। इन सवालों को ऐसे ही करते हैं। देखिए साथियों, अगला जो 2 क्वेश्चन है उनको ध्यान से देख लेना, ये अभ्यास खत्म हो चुका पूरा का पूरा। कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 16160 में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इसका निकाल लेना गुणनखंड। उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको आप घटाने के लिए उसमें लिख देना कि इसको इसमें से घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या आएगा, लगभग 30 बनाएगा शायद, हाँ 30 बनाएगा। ठीक ना, करके देख लेना, या फिर ये आसान तरीका होगा वर्गमूल वाला, जैसे मैं बताया था भाग विधि से, वैसे करना। अगला देखो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा 289 वृक्ष लगाए गए हैं। कह रहा कि उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितने की क्यारियाँ थी, मतलब क्यारियों की संख्या जो है जितनी थी उतना ही क्या लगाया गया, वृक्ष भी लगाया गया है। तो बताओ कि कुल कितने वृक्ष लगाए गए। अब आप लिख लो, माना कि कुल मिला करके यक्ष वृक्ष लगाए गए। कितने लगाए गए, यक्ष वृक्ष लगाए गए, 289 वृक्ष लगाए गए हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थी। ध्यान देना, तो कह रहा प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में कितने लगाए गए। भाई सिंपल सी बात है यार, ये जो 289 दिया है ना, इसका आप निकाल लोगे वर्गमूल, क्योंकि क्यारी और वृक्ष की संख्या बराबर बता रहा है। इसका मतलब उसका क्यारी की संख्या से वृक्षों की संख्या में गुणा किया है तब इतना आएगा। ठीक ना, इसका वर्गमूल करोगे 17 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई टेंशन होगा तो बोलना, मतलब आप इसका समझ गए।